जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव व एसपी एहतेशाम वकारीब ने मंगलवार को नया समाहरणालय भवन के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन कर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के निर्मित गुमला जियांगत चार चरणों में होने वाले चुनाव के पूर्व की तैयारियों की विस्तृत जानकारी साझा की। उपायुक्त ने कहा कि गुमला जिला में चार चरणों में 159 पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 6,86,686 है। इस बार चार चरणों में 1947 मतदान केंद्रों में चुनाव जो है वो कराया जाएगा और इसके लिए सभी कर्मियों को ट्रेनिंग दिलाना और साथ ही सभी कोषांगों को एक्टिव करना, ये दो अभी जो है इमीडिएट हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा दल बल का आकलन करना, उसके हिसाब से अपना डिप्यूटेशन करना, एसपी साहब के साथ इस पर डिस्कस हो गई है, वो आपको इसमें ब्रीफ भी कर देंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास कितने मैन पावर और कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के हिसाब से वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम लोग इसको शांतिपूर्ण तरीके से और लोगों की सहूलियत से जो हमारे वोटिंग टर्नआउट और परसेंटेज है उसको बढ़ाते हुए इस चुनाव को हम लोग अच्छे से संपन्न करा लेंगे। इस पर हमारी पूरी टीम जो है, हम लोग काफ़ी चर्चा के बाद इस चीज़ पर वी आर श्योर कि हम लोग इस चीज़ को जो है अच्छे से करा लेंगे और इस गांव की जो एक अपनी संवैधानिक जो अपनी एक इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोग फॉर्म कर सकेंगे। सर, संवेदनशील कई जगह से हम लोगों ने इसको देखा है कि संवेदनशील और अति संवेदनशील जो जगह है वहाँ पर पहले तो फोर्सेज की डिप्यूटेशन और एरिया डोमिनेशन हम लोग के स्तर से हमारे जो फोर्सेज है उनके द्वारा की जा सके। मजिस्ट्रेट जो है ज़्यादा संख्या में रहे वहाँ पर, अलग अलग तरहों से सर्वेलेंस हम लोग कर सकें, कुछ गोपनीय रहेंगे कुछ जो है वो आपके सामने रहेंगे जो दिखते रहेंगे। इसके अलावा वहाँ से इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो हमारे तंत्र रहेगी वो दुरुस्त हम लोग रखेंगे और सुविधाएँ वहाँ ऐसे रखेंगे पब्लिक के लिए, स्पेस इतना रहेगा कि किसी प्रकार के सिचुएशन से निपटने के लिए जो है उसमें समय न लगे और इमीडिएटली हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करके उसको दुरुस्त करा सकें। कुछ ऐसे जगह है जहाँ कराना बहुत मुश्किल होगा तो उसको हम लोगों ने एक जगह पूल अप कर दिया या जमा कर दिया है, तो कुछ एक केंद्र पर आप देखिएगा 3, 4 या 5 तक भी जो है वो बूथों का निर्माण कराया गया है, लेकिन वो सब जनता की सहूलियत के लिए कराया गया, उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कराया गया। चुनाव हो रहा है उसके लिए हम लोग गुमला जिला पुलिस पूरी तरह तैयार है। नक्सल पे भी हम लोग लगातार अभियान कर रहे हैं और इसमें बढ़िया सफलता भी आई है लगातार एक से बाद में, और अभी जो भी हमने बूथ का डिवीज़न किया है उसको संवेदनशील अति संवेदनशील में बांटा है और उसके अनुरूप वहाँ फोर्स की डिप्लॉयमेंट हो रही है। अभी भी नक्सल अभियान चलाया जा रहा है और कुछ जगहों पर शेडो एरिया है उसके लिए हम लोग रनर और सेटेलाइट फोन की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे हमें सूचना आकलन करने में अच्छा रहेगा और हमारा नक्सल अभियान और फोर्स डिप्लॉयमेंट में मदद मिलेगी और पुलिस को रोकने के लिए। आपके माध्यम से जिलावासी से अपील है कि सभी को सचेत करें, मतदान करना अच्छी बात है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे किसी मतदाता किसी भी कैंडिडेट को किसी तरह से कोई असुरक्षित महसूस ना करें, सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।